Hey Pitch, welcome to my channel Bhakti Vichar. Krishra Agro Export Limited Agrofix Listing थे. Listing इसकी थोड़ा सा निराशा जनक हुई. 30-40% प्रीमियम के साथ लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये IPO 16.38% प्रीमियम के साथ 135 पर लिस्ट हुआ. एंड इसमें कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई. अभी फिलहाल 133.35 पर क्लोज किया है. अपने निवेशकों को बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान या बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे रहा. एटलीस्ट ये लगभग 16% की बेनिफिट दे रही है. अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या होल्ड करनी चाहिए. यहाँ पर एक मीडियम लिस्टिंग मिलना चाहिए था. 30-40%, 45% इजिली बेनिफिट मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक ठाक है. बहुत ज्यादा इसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब नहीं है. एक साल के अंदर ही अपने प्रॉफिट को 140% इंक्रीज किया है एंड अपने रेवेन्यू को 56% इंक्रीज किया है. तो फाइनेंशियली इसकी स्थिति ठीक ठाक है. एंड बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस कुछ खास नहीं है, लेकिन इतना भी इसका बिजनेस खराब नहीं था कि इसकी लिस्टिंग थोड़ा सा इतना ज्यादा डिस्काउंट होकर क्यों. लेकिन हाँ, इस तरीके की बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिजनेस नहीं करती है. ये अचार बनाने वाले प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में बेचती है, साथ ही साथ अदर कंट्रियों में बेचती है. तो अचार बनाने वाले प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होते हैं, सब्जियां होते हैं, उसको ये बेचती है. कुछ एक ब्रोकर को भी बेचती है एंड कुछ फैक्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई करती है. और खुद ये लोकल फार्मर से जो तमिलनाडु कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के हैं उनसे खरीदती है. फिर इसके बाद फैक्ट्री में एंड फूड ब्रोकर्स को एंड ट्रेडर्स को ये अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट तक बेचता है. तो इस तरीके के बिजनेस में बहुत बेहतरीन मुनाफा, मल्टीपल बेनिफिट तो कमाने का मौका नहीं मिलता है. खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इस तरीके की IPO को इग्नोर करें. अगर लिस्टिंग गेन यहाँ पर देख सकते हैं 16.38% की बेनिफिट मिल चुकी है. अगर यहाँ पर बुकिंग हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो होल्ड करना चाहते हैं उन्हें कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करना चाहिए. इसकी कटअप प्राइस 116 रुपये है. अगर किसी को होल्ड भी करना है तो कुछ खास यहाँ पर बेनिफिट दिया नहीं है, 16% का ही बेनिफिट दिया है. तो हम लोग उसी को रिस्क लेंगे, यानी कि जो हमारा कटअप प्राइस है 116 पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए. इसके नीचे किसी भी वजह से ट्रेड कर रहा हो, कोशिश करनी चाहिए आउट होने की, क्योंकि ऐसे में IPO जब लोअर सर्किट लगाने लगता है तो बहुत बड़ा सर दर्द बन जाता है, क्योंकि लगातार लोअर सर्किट में निकलते जाता है और फिर हमें मौका ही नहीं देता है प्रॉफिट बुकिंग करने का. और यहाँ पर देखने के लिए ये मिलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि हमने अपना पैसा यहाँ पर 40-50% लूज कर दिया. तो इस तरीके की एक IPO में बड़ा नुकसान करना समझदारी की बात नहीं है. हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर प्रॉपर रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें. इसमें अगर 40-50%, 45% की बेनिफिट मिल जाती तो हम लोग 20-25% के रिस्क पर इस IPO को होल्ड कर सकते थे थोड़ा समय के लिए. लेकिन अभी यहाँ पर या तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में स्टॉप लॉस लगा करके जिन्हें होल्ड करने का इच्छा है होल्ड कर सकते हैं. आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, जिस समझ में आ रही है. वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू एंड. जय हिंद.